सोलन का युवा नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। नौजवान पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसकर पंजाब के नौजवानों की तरह अपनी जान गंवा रही है। पुलिस भी लगातार नशे का काला कारोबार करने वालों पर नकेल कसने की पुरजोर कोशिश भी कर रही है। इसी के तहत गुप्त सूचना के आधार पर सोलन पुलिस ने एक युवक से चिट्टा बरामद किया और उसे गिरफ्तार भी किया है। सोलन का युवा नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। नौजवान पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसकर पंजाब के नौजवानों की तरह अपनी जान गंवा रही है। पुलिस भी लगातार नशे का काला कारोबार बंद करवाने के लिए और उस पर नकेल कसने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में सोलन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ऐसे ही एक युवा को चिट्टे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया गया, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि युवक चिट्टे के बेचने का काम करता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि बिलासपुर पुलिस ने चिट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास 1.90 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। सपरून पुलिस ने तार फैक्ट्री के नजदीक एक नाके के दौरान अर्की निवासी सुनील उफ बिक्की से ये चरस बरामद की है। उन्होंने बताया कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है। हेड कांस्टेबल अंबी लाल जो कि सपरून चौकी के इंचार्ज हैं, उनके नेतृत्व में जब पेट्रोलिंग कर रही थी तो यहाँ पे तार फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति पुलिस को देख के कुछ घबरा गया और तेज तेज कदमों से चलने लगा। इसको जब एम्प्लॉयज की मदद से डिटेन किया गया और इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास जो है चिट्टा बरामद हुआ, जिसको तोलने पे पाया गया कि ये 1.90 ग्राम है। और ये जो व्यक्ति है, इसने पूछने पे अपना नाम सुनील कुमार उर्फ बिक्की गनागु घाट अर्की का बताया है अपने आप को। 27 ईयर्स ओल्ड है ये। और इसके साथ साथ हीरोइन के साथ इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और 10-10 के 3 नोट भी बरामद हुए हैं। इसमें हमारी अभी मौका की कार्रवाई चल रही है। इस व्यक्ति को डिटेन किया गया है और जो हेरोइन है इसको सीज किया जा रहा है और फर्दर कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की जा रही है। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। फिर आज दिन होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।